स्वास्थ्य का प्रोग्राम चलाया हमने, जननी सुरक्षा योजना, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, 1400 रुपए हर एक महिला को जो अस्पताल में जाके बच्चा देती, बाकी हिंदुस्तान में चलता है, महिलाओं से ठीक है, 1400 यूपी में बंद पड़ा है, महिलाएं जाती हैं, उल्टा अस्पताल में उनसे पैसा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपके नेता हैं, आपके बीच में नहीं आते। कुछ दिनों पहले यूपी का दौरा था, एक अस्पताल देखा, पेंटिंग हो रही थी अस्पताल की, तो मैंने सोचा अंदर जाके देखता हूँ क्या हो रहा है। अंदर जाके देखा, ना उसमें डॉक्टर थे ना उसमें पेशेंट, अस्पताल के अंदर कुत्ते घूम रहे थे अस्पताल के अंदर, और बाहर पेंटिंग हो रही थी। तो मैंने पूछा, भाई ये क्या हो रहा है, अंदर ना डॉक्टर है ना पेशेंट, बाहर पेंटिंग हो रही है और इसके सामने 400-500 गज की सड़क बन रही है, क्या हो रहा है? उन्होंने कहा, देखिए राहुल जी, मायावती जी का दौरा है, वो हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर में आएंगी, हमारी सड़क हेलीपैड से यहाँ तक आ रही है, अस्पताल को देखेंगी चली जाएंगी, हमारा ट्रांसफर नहीं होगा, हम बच जाएंगे। तो उनको जमीन की जानकारी नहीं, आपके बीच में नहीं आती, पता नहीं क्यों नहीं आती है। एक बार गांव गई है मायावती जी के पिछले 5 साल, आपके बीच में आई है, आपका खाना खाया है क्या, आपका आपके कुएं का पानी पिया है क्या, क्या मतलब आप में कुछ कमी है क्या कि आपके बीच में नहीं आती हूँ? हाँ हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश ऐसे प्रदेश को चलाना हो तो वो हेलीकॉप्टर से नहीं चल सकता, जब तक वो इस सड़क पे ना आए, जब तक झटके ना लगे गाड़ी में, जब तक आपके कुएं का पानी नहीं पिए, जब तक पेट ना खराब हो, थोड़ा बुखार ना हो, तब तक गरीबी के बारे में नहीं समझ में आती। मैं आपको बता रहा हूं, मैं उदाहरण हूं,